प्रभु श्री राम जी के प्रिय हनुमान जी का जन्म उत्सव आने वाला है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे तमाम उपाय है जिनको करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, यह दान से भी प्रसन्न होते हैं। आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कौन सा दान इस दिन करना चाहिए। श्री राम भक्त अंजनी पुत्र पवनसुत हनुमान जी का पावन जन्मोत्सव दिनांक 23 अप्रैल को हम सभी बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। इसमें इस बार हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पात्र बनने के लिए जो व्यक्ति अन्न का दान जो करता है उसको कभी अन्नपूर्णा की हानि नहीं होती, अन्नपूर्णा की उसके घर में कभी कमी नहीं होती, लक्ष्मी का उसके घर में सदा वास होता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति सिंदूर का दान करता है, हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए माँ सीता जी को देखा देखी कि माँ सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में ही सिंदूर लेप लिया कि मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। तो राम जी महाराज अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे जन्मोत्सव के दिन सिंदूर का दान करेगा उसे मेरी कृपा, माँ सीता जी की कृपा, यानी भगवान श्री राम, सीता जी और हनुमान जी, इन तीनों की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही हनुमान जी को माँ सीता जी के हाथों के बने लड्डू बड़े प्रिय हैं। जो हनुमान जी महाराज को लड्डू का भोग अर्पण करता है या जो लड्डू का दान करता है, भगवान बजरंग बली उसके ऊपर विशेष कृपा बनाते हैं। इन तीनों वस्तुओं का जो दान करता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। हनुमान जयंती का जो पावन अवसर है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही हनुमान जी महाराज का स्नान, अभिषेक और उसके बाद में होम यज्ञ जो भी करना चाहे भक्त, उनको प्रसन्न करने के लिए भले वो राम नाम का कीर्तन ही क्यों ना हो, ब्रह्म मुहूर्त में जो हनुमान जी महाराज का पूजन करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है।